सबसे पहले जबलपुर की खबर आपको दिखा दें। बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है, करोड़ों का गबन करने का आरोप है। तो बिशप पर लगे आरोप के साथ ही दस्तावेज में हेरफेर करने का भी आरोप है। मिशन कंपाउंड स्थित घर में यह कार्रवाई जारी है। मौके से बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। ईओडब्ल्यू ने एसबीआई के कर्मचारियों को बुलवाया है। देर शाम तक ईओडब्ल्यू कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायोसिस के बिशप हैं पीसी सिंह। उस खबर को जरा और विस्तार से आपको समझाते हैं कि जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने दबिश दी और उन पर जो आरोप लगे हैं उसे जरा समझने की कोशिश करें। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके मूल सोसाइटी का नाम बदल दिया। चेयरमैन रहते हुए तकरीबन 2,70,00,000 रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किए। तो इनसे संबंधित तमाम दस्तावेजों को टीम खंगाल रही है और ये तस्वीर आप देखिए कि नोट गिनने की मशीन लानी पड़ी है। लगातार नोटों की गिनती चल रही है। ईओडब्ल्यू ने नोट गिनते गिनते अपने ऑफिस का भी नाम लिख दिया है, ईओडब्ल्यू। ये देखिए, ओ में आपको 2,000 के नोट नजर आएंगे। अमित सोनी हमारे संवाददाता जबलपुर से सीधे हमारे साथ। अमित, जब भी जबलपुर में छापा पड़ता है एक बात तो तय है कि नोट गिनने की मशीन जरूर लगती है। बेशक विजय, नोट गिनने की मशीन जरूर लगती है और लगातार ईओडब्ल्यू जो कार्रवाई करते आ रही है उसमें तो संभवतः सामने ये आया कि हम बात करें पिछली बार आरटीओ की कार्रवाई की तो उसमें भी नोट गिनने की मशीन का कहीं ना कहीं उपयोग हुआ था। उसके बाद अभी फिर जो है एक बिशप के यहाँ छापा मारा है, पीसी सिंह है बिशप, इनके यहाँ छापा मारा। सुबह 8 बजे से ये छापामार कार्रवाई जारी है। एक शिकायत के आधार पे जो है एक जाँच शुरू हुई थी ईओडब्ल्यू ने और जाँच में सर्च वारंट प्राप्त लिया ईओडब्ल्यू ने। फिर उसके बाद आज उनके घर में जब दबिश देने के लिए पहुंची तो तमाम जो चीजें, नोट गिनने की मशीन, भारी मात्रा में कैश, जो कैश के लिए एसबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बुलवाया गया, साथ में नोट गिनने की मशीन भी बुलवाई गई, विदेशी मुद्रा भी यहां से बरामद हुई है। इन पे आरोप है कि इनने 2004 से लेके 2012 तक लगभग 2,70,00,000 रुपए का जो है अवैध तरीके से अपने उपयोग के लिए, साथ ही धार्मिक संस्थाओं को चैरिटी करने के लिए ये पैसा दिया था। ये इसका कहीं नॉलेज नहीं था कि इस पैसे की जो है आवक जावक कहीं दिखाई नहीं की थी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। संभवतः शाम तक बड़े खुलासे होने की जो है उम्मीद है। जी विजय जी, अमित, एसबीआई के कर्मचारियों को भी बुलाया गया है इस संबंध में, तो वहां उनसे क्या पूछताछ करनी है? बेशक विजय, आपको बताना चाहूंगा कि एसबीआई के कर्मचारियों को नोट गिनने के लिए और जो विदेशी मुद्रा जो बरामद हुई है बिशप के पास से, उन तमाम चीजों का आकलन करने, मूल्यांकन करने के लिए एसबीआई अधिकारियों को बुलाया। साथ में नोट गिनने की मशीन भी जो है यहाँ पे बुलाई गई। 2000 के नोट इनके पास से मिले हैं और साथ ही 500 के नोट मिले। तमाम इसको बोल सकते हैं कि बड़ी मात्रा में कैश हुआ है, करोड़ों की ये कैश जो है सामने आ सकता है। करोड़ों का ये कैश जब गिनती के बाद फाइनल फिगर सामने आएगा तो करोड़ों में जा सकता है ये फिगर। जी अमित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो डिपार्टमेंट का लगातार छापे का काम और नोट गिनने का काम जारी है।